another crispy and crunchy episode of your favorite showbiz news reporting and gossip show Report 360, जहां हम आपके लिए लेकर आते हैं showbiz से related तमाम तर चटपटी और मसालेदार news और रखते हैं हम आपको update with all the latest happenings of glamour world. तो शो का सिलसिला शुरू करने से पहले डालते हैं एक नजर आज की हेडलाइंस पर. मीरा मेक्स कमबैक इन बॉलीवुड. अली जफर वर्किंग विद फोर सिंगर्स फ्रॉम बोथ साइड्स ऑफ वाटर फॉर लंदन पेरिस न्यूयॉर्क. कप्तान मूवी ऑन इमरान खान. आतिफ असलम टॉप्स फेसबुक विद 3 मिलियन फैंस. सन ऑफ पाकिस्तान. पाकिस्तानी फेमस एक्ट्रेस मीरा जो की अक्सर अपने उल्टे सीधे बयान और गलत इंग्लिश की वजह से नजर आती है इन न्यूज और बनती है सोर्स ऑफ एंटरटेनमेंट, वो आजकल एक बार फिर से नजर आ रही है इन खबरों में. पर इस दफा उनकी खबरों में नजर आने की वजह उनकी गलत इंग्लिश बिल्कुल नहीं है, बल्कि ये है उनका कमबैक इन बॉलीवुड आफ्टर 5 इयर्स ब्रेक. आइए देखते हैं इसकी तफसीलात इन आवर नेक्स्ट रिपोर्ट. फिल्म एक्ट्रेस मीरा जो कि लॉलीवुड के अलावा बॉलीवुड में भी कर चुकी हैं काम और उन्होंने अपने बॉलीवुड करियर का किया था आगाज इन 2005 विद महेश भट्ट मूवी नजर. और इस मूवी में उनके बोल्ड सीन्स की वजह से उन्हें काफी तनकीद का भी बनाया गया था निशाना. और उनकी दूसरी बॉलीवुड मूवी थी कसक. उसके काफी अरसे बाद तक मीरा फिर दोबारा किसी बॉलीवुड मूवी में नहीं आई नजर. और अब 5 साल बाद वो एक बार फिर नजर आएंगी फैसल सैफ की एक नई बॉलीवुड मूवी में जिसका नाम है 5 घंटे में 5 करोड़. इस फिल्म में मीरा कर रही हैं लीड रोल. वजह थी तेरे जाने की, फिर लौट के आने की. आई है हवाएं, तुझे है बुलाए, याद दिलाए. क्या वजह थी तेरे जाने की, फिर लौट के ना. और इस मूवी की एक खास बात ये है कि इस मूवी में पाकिस्तानी लेजेंडरी सिंगर नूर जहां जो कि अब हमें नहीं है उनको दिया जा रहा है एक ट्रिब्यूट थ्रू हर ऑल टाइम फेवरेट सॉन्ग सुन सोने दिया कंगना. सॉन्ग जो ये गाना है ये पाकिस्तान की मेरे जो पिताश्री हैं उनकी एक फेवरेट लेजेंड सिंगर हैं, अभी तो जो अभी नहीं है, उनका नूरजहां जी का ये गाना है और इसको गाया मेरी फेवरेट सिंगर ने शिबानी कश्यप जी ने. तो ये मेरे लिए एक यू नो अच्छे प्राउड की बात है कि यू नो मैं एक इस गाने में मेरा एक किरदार है जो गाना मेरी दो फेवरेट सिंगर्स के साथ रिलेटेड है. ये गाना जो है वो एक हल्का सा सैड सॉन्ग है जो दो लोग हैं अभिषेक और कविता राधेश्याम, दोनों अपने अपने फीलिंग्स में खोए हुए हैं और यादों में खोए हुए हैं. उस यादों में कहीं जाने की कोशिश कर रहे हैं और उस तरीके से मैंने दोनों लोगों को इस तरीके से मैच किया है कि वो लगेगा कि आपको ये लगेगा कि शायद दोनों एक दूसरे से कनेक्ट हैं, मगर ऐसा कुछ है नहीं. जो सॉन्ग है सोने ओ सोने के कंगना, बहुत ही खूबसूरत सॉन्ग है जो पाकिस्तान की लेजेंड सिंगर जो है मरहूम नूरजहां मैडम जी उनके द्वारा ये गाया गया था. और हम लोगों की तरफ से, हम पूरी टीम की तरफ से, लेनिन विक्टर जो हमारे म्यूज़िक डायरेक्टर हैं, हमारे जो डायरेक्टर है फैसल सर, इन सब की तरफ से हम लोगों ने सोचा कि नूरजहां मैडम जी को एक श्रद्धांजलि दी जाए. तो उन्हीं का ये जो सॉन्ग है ओ सोने की कंगना, हमने एक नई टच इसको देकर इस गाने को बनाया गया है यहाँ पर लेनिन विक्टर जी ने, और इसे शिवानी कश्यप जी ने गाया है जो उन्होंने अपना ही एक टच दिया है जो बहुत ही खूबसूरत तरीके से निकल के बाहर आया है. और मैं बहुत प्राउड फील करती हूँ कि नूरजहां मैडम जी का ये गाना जो कि हम पहले कभी सुना करते थे, और आज मुझे एक विश्वास नहीं होता कि उनका गाना आज एक मॉडर्न टच में वापस रिकॉर्ड हुआ है, और उस गाने के अंदर मैं फीचर कर रही हूँ और जिसे शिबानी कश्यप जी ने गाया है. वी विश के मीरा इस फिल्म में पास्ट में की हुई गलतियों को नहीं करेंगी रिपीट और पाकिस्तान की पॉजिटिव इमेज का रखेंगी ख्याल. वी विश हर गुड लक फॉर दिस कमबैक. मल्टी टैलेंटेड अली जफर जो कि आजकल कर रहे हैं धड़ाधड़ काम इन बॉलीवुड और आफ्टर हिज 2 सक्सेसफुल मूवीज ही इज वर्किंग ऑन हिज 3rd बॉलीवुड फ्लिक लंदन पेरिस न्यूयॉर्क. इस मूवी में अली जफर सिर्फ एक्टिंग नहीं कर रहे बल्कि ही इज आल्सो द म्यूजिक डायरेक्टर ऑफ दिस मूवी.
अली जफर इस मूवी के साउंडट्रैक के लिए इंडिया और पाकिस्तान से 4 फीमेल आर्टिस्ट के साथ कर रहे हैं काम। To know the details, watch this report. इन दिनों अली जफर अपनी अपकमिंग बॉलीवुड मूवी लंदन पेरिस न्यूयॉर्क की म्यूजिक कंपोजिंग में है काफी ज्यादा मसरूफ। इस मूवी के साउंडट्रैक के लिए मेल वॉइस तो अली जफर ने की है अपनी ही यूज, बट फॉर फीमेल वॉइस अली जफर इज वर्किंग विद 4 सिंगर्स फ्रॉम बोथ साइड्स ऑफ द बॉर्डर। इंडिया से जिन 2 फीमेल सिंगर्स के साथ वो कर रहे हैं काम, उनमें से एक नाम है सुनिधि चौहान, जबकि दूसरी सिंगर है इस फिल्म की हीरोइन अदिति राव। और जिन 2 पाकिस्तानी फीमेल सिंगर्स के साथ अली जफर कर रहे हैं काम, उनके नाम अभी तक नहीं किए गए हैं डिस्क्लोज। और र्यूमर ये है कि इनमें से एक नाम है हदीका कियानी, जबकि दूसरी सिंगर है क्यूबी, पर अभी तक ऑफिशियली किसी का नाम भी नहीं किया गया अनाउंस। शायद इस फिल्म के प्रोड्यूसर और अली जफर का प्लान है टू गिव सम सरप्राइज। अली जफर का प्लान है कि वो इस मूवी में डिफरेंट म्यूजिक जॉनर्स में करेंगे काम, और उन्होंने ये भी कहा है कि नॉर्मली मूवीज के साउंडट्रैक के लिए हीरो या हीरोइन में से किसी एक की वॉइस होती है यूज। अब देखते हैं कि अली सिंगिंग और एक्टिंग के बाद म्यूजिक डायरेक्शन में भी अपने फैंस की एक्सपेक्टेशंस पर पूरे उतरते हैं या फिर नहीं। There is still a lot more on this show, but after a short commercial break, आप देख रहे हैं रिपोर्ट 360। रिपोर्ट 360, नॉनस्टॉप शो इंफरटेनमेंट।